मुझे पता नहीं मैं अगर आपको बोलूंगे तो बेटा और रियाज करो या और परफेक्ट करो या और ये आप ये रियाज कीजिए या आप ताने ऐसे लगाइए या प्रैक्टिस के पास है उसको बहुत ही संभाल के रखना क्योंकि ये लोग बड़े हो जाते हैं ना उसके बाद इसको ठीक है खुश था आपका आइए देखते हैं जूरी मेंबर्स ने आपको क्या स्कोर दिए अल्तिया यू कैन सेंड हर ऑफ तालिया ऐसे ही गाते रहिए हमको खुश करते रहिए ठीक है जिनको मैं गाकर बुलाऊंगा चलो शुरू हो जाओ आपकी आवाज आएगी तो हमको और अच्छा लगेगा ये आपकी तरफ पहुंच गई है आप बोल दीजिए हम लोग बोलिए ना बिल्कुल आपने जैसे कहा देखिए सर आपने जो सर आपने जो क्वेश्चन पूछा ना मैं बिल्कुल समझ गया वो क्वेश्चन कि आपने जैसे कहा कि हमारा शो इतना माइंड ब्लोइंग चल रहा है और वाकई ही माइंड ब्लोइंग चल रहा है बिकॉज़ हमें हमारी एनर्जी से दिख रहा होगा आपको और ये जो सेट है इतना खूबसूरत बना है और बच्चे जो हैं स्पेशली कंटेस्टेंट लोगों को कमाल कर रहे हैं डे बाई डे इतना इम्प्रूवमेंट आ रहा है उनमें कि ओवर टू शेखर जी नहीं मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं वाजिद कि एक जो एनर्जी है इस शो की सच्चाई है एक्चुअली शो में बहुत सारे शोज़ देखे हैं लेकिन बहुत शोज़ में सच्चाई नहीं होती खाली खड़े होकर लोग ऐसे ही ताली मारते हैं यहाँ तो आंसू निकलते हैं तब वो सच के आंसू होते हैं जब हंसते हैं तब सच्चा लाइक प्यार सच्चा होता है और जब गुस्सा होते हैं तो वो भी बिल्कुल सच्चा होता है बिल्कुल सच्चा होता है मुझे पूछो बिल्कुल सच्चा होता है लेकिन हम तीनों के लिए हमारी जीत ये है कि जब बच्चा यहाँ आता है और जो लेके जाता है यहाँ से तो बच्चा होता है देखो अच्छा हमारे जोक चल रहे हैं देखो ये राइमिंग है शेरो शायरी होती है ना रदीफ और काफी होता है जैसे हमने कहा शेखू वाजू बीट में है काजू तो इसीलिए सच्चा
तो होगा अच्छा। ये देखिए इस शो में एक सधा हुआ समझदार, एक अच्छा जज जो है, फिर सिर्फ ये है अच्छा। और इनमें मैं भी हूँ, ये शैतान और बहुत ज्यादा अच्छा शरारती जज। शैतानियत जो होती है ना वाजिद की, तब निकलती है जब उसे बहुत भूख लगी होती है। जब भूख लगी मैं जल्दी चाह रहा हूँ कि भाग के खाना खा लूँ, लेकिन इंटरव्यू है कि देना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। ऑन अ सीरियस नोट, ये जितनी भी हंसी मजाक दिख रहा है, ये इसका रिजल्ट जाता है अच्छे गाने को, अच्छे कंटेस्टेंट गाएं, अच्छा माहौल हो, तो हमारे चेहरों पे ऐसी खुशी दिखती है। सो थैंक्स टू सारे गामा पा एनसी टीवी, सक्सेस गोस टू द परफॉर्मेंसेस, द सिंगर्स, यस यस, हम यहां हैं उनको गाइड करने के लिए, बट द एक्चुअल हीरोज ऑफ द शो आर द सिंगर्स कंटेस्टेंट। और क्या होता है, ऑल द कंटेस्टेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में एक सारे गामा पानी एटलीस्ट, मतलब जितने हो उतने कम हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कंटेस्टेंट्स को सुनते हैं, द काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव इन इंडिया, तो एक शो पूरा नहीं पड़ेगा। और ऐसा लगता है सालों साल शो चलते रहेंगे तो कितने सिंगर निकलेंगे। इट्स अ वेरी गुड स्टेज एंड आई हैट्स ऑफ टू जी फॉर यू नो क्रिएटिंग सच स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मज़ा आ रहा है सारे गामा पे आज आके, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है और ये एक ऐसा आई थिंक एक पाइनियर मंच था। सारे गामा पा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रियलिटी शोज़ एंड आई थिंक आज तक इसकी पॉपुलैरिटी कायम है, एंड बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जिस तरीके का टैलेंट इस शो ने हमारी इंडस्ट्री को भी दिया है, सो इट्स बीन फैंटास्टिक। नारायण जी के साथ ये सुन रहे हैं आप, क्या बात है। हाँ देखो, इसको बोलते हैं टैलेंट की तो कमी नहीं है इंडिया में। जी बिल्कुल, मैं इनको वही बोल रही थी कि टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, और इतना ज़रूरी है कि इस ऐसे मंच हमारे टैलेंट को, हमारे यंग टैलेंट को और मिले, ताकि वो आके अपनी यू नो टैलेंट को शोकेस कर सकें। एंड जैसे कि मैंने कहा कि कितने इस गायक इस शो से निकल कर हमारी इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा है, तो दिस इज़ द वे कि यू नो उनको एक 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 अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिले। मैंने काफ़ी शोज़ किए, अभी लास्ट में ही मैंने सबसे बड़ा कलाकार किया, और अब आई थिंक थोड़ा एक ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, तो बहुत जल्दी कोई भी अच्छा शो होगा, डेफिनेटली से यस। बस दर्शकों को यही बोलूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, हंसते खेलते प्यार में गुजार लीजिए, कब है कब नहीं है किसको पता, सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड एन्जॉय लाइफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।